कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दुनिया भर क्रिकेट फैंस के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आज से शुरू होगी, जिसमें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के शांत रवैये, विराट कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सभी की नजरें होंगी। दरअसल मौजूदा चैंपियन रोहित की मुंबई इंडियंस का सामना पहले मैच में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। दरअसल आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से टूर्नामेंट यूएई में खेला जा रहा है और मैदान में दर्शक नहीं होंगे। मुश्किल हालात में सिनेमा और क्रिकेट के लिए तरस रहे दर्शकों के लिए भी यह आईपीएल खास होगा और खिलाड़ियों के लिए भी। ऐसे में जब सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, अगले 53 दिन धोनी की चेन्नई सुपर किंग, कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, रोहित की मुंबई इंडियंस, केएल राहुल की किंग्स इलेवन पंजाब और श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल समेत आईपीएल टीमों के नाम होंगे। आईपीएल का आयोजन पहले भी विदेश में हुआ है, लेकिन इस बार करोड़ों डॉलर का ये क्रिकेट या इवेंट पहली बार जैविक सुरक्षित माहौल में होगा। इसमें क्रिस गेल और डेविड वार्नर के गगनभेदी छक्कों पर तालियां पीटने वाले नहीं होंगे और ना ही सुपर ओवर में कोई शोर सुनाई देगा। इसके बावजूद कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कम से कम खेल देखने को तो मिलेगा। वहीं कागजों पर आकलन करें तो मुंबई की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है, जिसमें रोहित के अलावा हार्दिक और कुणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड, दैत ओब्रो के शहंशाह गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। चेन्नई टीम को भले ही बुजुर्गों की फौज कहे, लेकिन इस टीम ने साबित किया है कि सफलता और हुनर उम्र के मोहताज नहीं होते। शेन वॉटसन, ट्रेंट ब्रावो, फाफ डुप्लेसी और रविंद्र जडेजा ने अपना 100% इस टीम को दिया है और इस बार भी देंगे। वहीं कोहली की उपलब्धियों में आईपीएल खिताब की कमी खटकती है, जिसे वो पूरा करना चाहेंगे। एरन फिंच, क्रिस मॉरिस और देवदत्त पडिक्कल की मौजूदगी में टीम मजबूत दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल लय हासिल की और उनके पास अय्यर जैसा बेहतरीन कप्तान, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन जैसा अनुभवी गेंदबाज टीम में है। राहुल की पंजाब टीम का अच्छा प्रदर्शन भविष्य में राहुल को भारतीय टीम के संभावित कप्तानों की जमात में शामिल कर सकता है। ये देखना होगा कि ग्लेन मैक्सवेल, गेल और मोहम्मद शमी जैसे स्टार खिलाड़ियों को वो कैसे संभालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश एक बार फिर फाइनल तक पहुंचने की होगी। उनके कप्तान डेविड वार्नर मैच जिताने के फन में माहिर हैं। उनके पास जॉनी बेयरस्टो की आक्रामकता, केन विलियमसन की कूलनेस और राशिद खान की कलाई का जादू है। आईपीएल का कुछ हिस्सा साल 2014 में जब यूएई में खेला गया था, तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता था। बेन स्टॉक्स अगर दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, तो आंद्रे रसल सबसे आक्रामक बल्लेबाज। उन्होंने पिछले सीजन में 52 छक्के जड़कर यह साबित किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप सितारे शुभमन गिल, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी टीम में युवा जोश भरेंगे, जबकि इयान मॉर्गन के रूप में अनुभवी कप्तान टीम के पास है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों का दारमोदार विदेशी खिलाड़ियों जोस बटलर, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर पर होगा। स्टॉक अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए न्यूजीलैंड में है और उनका खेलना संदिग्ध है, लेकिन वो शुक्रवार को अपने शहर में नेट प्रैक्टिस करते दिखे थे। पहले मैच में मुंबई का पलड़ा भारी लग रहा है। रोहित, क्विंटन डीकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पांड्या बंधु, कायरन पोलार्ड बल्लेबाजी को मजबूत देते हैं। ट्रेंट बोल्ट और नाथन कुल्टन नाइट भी टीम में हैं। वहीं बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई टीम में इतने सालों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। धोनी के सबसे भरोसेमंद सीपीएस आला सुरेश रैना इस बार नहीं है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ भी मौजूद नहीं है, जो कम से कम 5 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन चेन्नई के पास वॉटसन, अम्बाती रायडू, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, ब्रावो जैसे मैच विनर है। मिशेल सेंटनर और लुंगी इंगड़ी भी चेन के लिए उपलब्ध है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। LD न्यूज रोम की रिपोर्ट।